हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष मिश्रा फ्रॉम फार्मा माइंड्स। और सबसे बड़ी क्वेरी थी कि महाराष्ट्र कैंपग्राउंड्स कब चालू होने वाले हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। तो महाराष्ट्र के जो कैंपग्राउंड्स हैं एमफार्म के लिए, वो शुरू हो चुके हैं 17 जुलाई से। और आपकी जो क्वेरीज थी छोटी छोटी, वो हम यहाँ सॉल्व करना चाहेंगे। सबसे पहले आपने पूछा था कि उस महाराष्ट्र कैंपग्राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सो एवरी वन हु इज हैविंग अ नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर इज एलिजिबल फॉर कैंपग्राउंड्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी इन महाराष्ट्र 2023। बट अब इस बार एनटीए स्कोर आया है आप सबका, ठीक है? आपको मार्क्स नहीं पता है, तो एनटीए स्कोर से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स नॉन जीरो होंगे ही। अगर आपका 50 अबव एनटीए स्कोर है तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो प्रेफरेंस है वो हमेशा मिलेगी हायर स्कोर वाले को, उससे भी ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी जीपेट क्वालिफाइड को। सो ये आपका भी एक डाउट था कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है? अगर नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर का है तो मतलब इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड। बट हमेशा प्रेफरेंस जो है क्वालिफाइड को मिलेगी। जब आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें प्रेफरेंस जो हमेशा रहेगी जीपेट क्वालिफाइड को रहेगी, ओके? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं और आपका स्कोर जो है वो एक अदर कैटेगरी से ज्यादा है, बट आप क्वालिफाइड नहीं है, उस केस में भी जो अदर कैटेगरी वाला है उसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि तो जीपैट क्वालिफाइड रहेगा, ठीक है? ये एक डाउट था, ये सॉल्व किया गया है। कौन कौन सी कॉलेजेस आएंगे उसमें? तो महाराष्ट्र कैंपग्राउंड के अंदर सारे पीसीआर रजिस्टर्ड कॉलेजेस महाराष्ट्र के जो होते हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, एक्सेप्ट आईसीटी एंड भारतीय विद्यापीठ के पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है? इनको छोड़ के ऑलमोस्ट सारे कॉलेज जो पीसीआर रजिस्टर्ड हैं, जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, वो सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। महाराष्ट्र के सारे टॉप कॉलेजेस जैसे डीवाई पाटिल, आरसी पटेल, आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सारे कॉलेजेस में इंक्लूड रहते हैं। साइट से आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है हम वो देखते हैं अभी। ये हमारी वेबसाइट जहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? इसकी लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि लेफ्ट साइड में एम फार्म और फार्म डी जो पोस्ट बैक्यूलरेट रहता है, उसके लिए आपको लिंक पे न्यू दिख रहा है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा एक नया पेज खुलता है जहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन करना है, ओके? अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना है स्टार्ट, तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेंगे। आर यू अप्लाइंग एज फॉरेन नेशन कैंडिडेट? तो आपको यहाँ पे नो करना है, ठीक है? अगर आप इंडिया के हो, अगर आप फॉरेन के सिटीजन, तो आपको येस करना है, पर एज ऑफ नाउ हम नो करेंगे इसे। ठीक है, यहाँ पे आपको बाकी अपनी डिटेल सारी भरनी है। आपको अपना नाम एज पर HSC 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही से आपके बाकी कम्युनिकेशंस होंगे, ठीक है? तो ऐसा मोबाइल नंबर डाला जो आपके पास अवेलेबल हो, ईमेल आईडी भी जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, जिसमें आप OTP वगैरह और सारे अपडेट्स चेक कर सकते हैं। पासवर्ड डाल के आपको रजिस्टर करना है। यहाँ से रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा, और वो OTP डालते ही आपको सबमिट करना है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पे आपको मिलेगा आपका एक कैंडिडेट लॉगिन आईडी। उस कैंडिडेट लॉगिन आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं और बाकी की डिटेल्स आगे भर सकते हैं। यहाँ पे आपका अपनी एप्लीकेशन आईडी जो आपको मिलेगी वो आपको मैसेज में भी आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा, ठीक है? और आपने जो पासवर्ड सेट किया वो पासवर्ड डाल के आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन पूरा भरना है। एप्लीकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th 12th, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका एडवांटेज मैं आपको आगे बताऊंगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन TC फ्रॉम कॉलेज, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लेके रखना, वो यहाँ पे नहीं लगेगा आपको, बट माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप अवेलेबल रखना अपने पास। उसके अलावा आपको चाहिए एग्रीगेट मार्क लिस्ट। एग्रीगेट मार्क लिस्ट आपको आपके कॉलेज से मिल जाएगी, ठीक है?
उसमें आपके परसेंटेज इंक्लूड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब फॉर्म भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो हमें अपना परसेंटेज भी डालना है बी फार्म का, कि बी फार्म में हमने कितने परसेंटेज ऑप्टेन किए हैं, तो वो आपको पता चलता है एग्रीगेट मार्क लिस्ट से। तो आप कॉलेज से अपना एग्रीगेट मार्क लिस्ट मंगवा लेना, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना पूरा भरना है। ओके, तो अब ये डेट्स वगैरह क्या है, कब तक रहेगा, वो हम देखते हैं। 17 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। 26 जुलाई तक ये एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, मे बी एक्सटेंड हो सकता है 1-2 दिन, ठीक है, या 1 हफ्ते तक एक्सटेंड हो सकता है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए क्या है, कि इसमें आपको अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके बी फार्म में, और अदर कैटेगरीज के लिए 50% का क्राइटेरिया है। आपका एक नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए जीपैट में, और ये हुआ तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, महाराष्ट्र कैपरा में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, तो आपके पास 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, और फार्म डी के लिए भी सेम क्राइटेरिया। ओके, अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो उसमें और महाराष्ट्र स्टेट वालों के स्टूडेंट्स में क्या डिफ्रेंशिएशन होगा? महाराष्ट्र स्टेट का जो कैंडिडेट होगा, उनको मिलती है महाराष्ट्र स्टेट की स्कॉलरशिप। ओके, बट वो स्कॉलरशिप जो है अदर स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहती, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपने महाराष्ट्र में एडमिशन लिया है तो। ओके, यहाँ पे जो स्कॉलरशिप रहती है वो ओपन कैटेगरी का अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए EBC स्कॉलरशिप रहती है, और बाकी बाकी अदर के लिए उनके अदर स्कॉलरशिप रहती है। OBC है तो उनके लिए OBC की स्कॉलरशिप रहती है, SC ST के लिए अदर स्कॉलरशिप। ओपन कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप रहती है वो 50% स्कॉलरशिप रहती है, मतलब आपकी फीस का जो आपकी कॉलेज फीस है उसका आपको सिर्फ 50% ही पे करना है। उसके अलावा जो OBC है उनका भी 50% रहता है। हाँ, आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे उनका एनुअल फैमिली एनुअल इनकम का कुछ क्राइटेरिया रहता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी 100% स्कॉलरशिप रहती है। ये होता है डिफरेंस एक महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए और एक अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, जिन्होंने महाराष्ट्र में एडमिशन लिया है। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है। अगर नहीं होगा अभी तक, ऑलमोस्ट हर महाराष्ट्र कैंडिडेट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उनका, नहीं होगा तो बनवा लीजिए एडमिशन के पहले, क्योंकि वो यहाँ पे लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हैं। ये सारा होने के बाद अगर हम फीस देखें, तो फीस है जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज़। उसके अलावा जो भी होगा वो 800 की फीस उनके लिए अप्लीकेबल है, SC ST NT, ओके, एंड EWS अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट है बट EWS है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो भी आपकी फीस 800 रुपीज़ रहेगी। डेट्स अगर हम देखें, तो डेट्स में ऐसा है कि स्टार्ट हुआ था ये फॉर्म 17 जुलाई से, रहेगा 26 जुलाई तक, मे बी एक्सटेंड हो सकता है, इसके लिए आपको हमेशा वेबसाइट चेक करनी रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, जिसमें हम कैब से रिलेटेड सारे जो है अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर डेट एक्सटेंड होती है या कोई फर्दर उसमें अमेंडमेंट आता है, तो वो हम सारा जो है हमारे ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी हमें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इस साल 2 टाइप के वेरिफिकेशन होने वाले हैं, ठीक है। पहला वेरिफिकेशन है फिजिकल स्क्रूटिनी, दूसरा है ई स्क्रूटिनी। फिजिकल स्क्रूटिनी अगर आपने ऑप्ट किया है, तो आपको एक पर्टिकुलर FC सेंटर में जाके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा जेरोक्स कॉपीज जो है उनको सबमिट करना है, वहाँ पे आपको उनका स्टैम्प लेना है और वेरीफाई करवाना है। ओके, उसके अलावा अगर आपने स्क्रूटिनी दिया है, स्क्रूटिनी आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर पे बैठना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और FC सेंटर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल करेगा, ठीक है। तो ये उसका टाइमिंग है 17 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक, ठीक है, 1 दिन एक्सटेंड करके देते हैं ये। अब देखिए उसके अलावा क्या है, अब जब हमारा 26 को खत्म हो जाएगा, 27 को हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए, लास्ट डेट है, और मैं कहूंगा कि आप 27 तक वेट मत करना, 1 दिन पहले ही आप जो है सब कुछ करवा लेना 1 दिन पहले तक, ताकि लास्ट डे जो है भीड़ बहुत बढ़ जाएगी,
ऐसा भी हो सकता है वेबसाइट भी क्रैश हो जाए लास्ट डे, अगर इस रूटीन हुआ तो ज़्यादा घबराहट हो जाती है। इसके वजह से आप टाइम के पहले सब कुछ निपटा लेना। 31 जुलाई को जो है आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका महाराष्ट्र स्टेट का रैंक और ऑल इंडिया रैंक, दोनों टाइप के रैंक सबके प्रोवाइड होंगे। ओके, उसके बाद 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आपको ग्रीवेंस सबमिट करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी करेक्शन है या आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया उसमें कोई भी करेक्शन, तो आपको ग्रीवेंस सबमिट करना है। उसके बाद 5 अगस्त को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आपके शुरू होंगे कैप राउंड्स, जो कि है 6 अगस्त से। कैप राउंड्स में आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, आपको किस कॉलेज का कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, एंड देन आपको आगे की प्रोसेस करनी है। उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो प्रायोरिटी है उसमें मिनिमम 3 कॉलेजेस या 3 कॉलेजेस के 3 डिपार्टमेंट्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे RTMNU नागपुर का फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट चाहिए ही चाहिए, ओके, तो आपको उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी डालनी है। फिर उसके बाद अगर मुझे RTMNU का कोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं मिला, तो मुझे RTMNU में ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट चाहिए, तो वो आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऑप्शन फॉर्म में सेकेंड रैंक आएगा। फिर जैसे मुझे डीवाई पाटिल पिंपरी का मुझे स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट चाहिए, तो उसे मैं थर्ड डालूंगा। ये हो गया एक एक्स कैंडिडेट का। अगर वही वाई कैंडिडेट है, उसे RTMNU कोलॉजी के बाद ही डीवाई पाटिल का स्टेटिस्टिक्स चाहिए, तो वो उसे सेकेंड नंबर पे डालेगा। ओके, तो ऐसे में अपनी ऑप्शन फॉर्म की प्रायोरिटी लिस्ट सेट करनी है। तो उसमें आप डालेंगे पहले 3 से 4 कॉलेज जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कि वो नहीं मिले तो ये चलेंगे, और फिर लास्ट में बैकअप कॉलेजेस और बैकअप डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब आपको कौन से चूज करने हैं कॉलेजेस महाराष्ट्र में, उसका लिंक जो है वो एक नया वीडियो हम बनाएंगे और फिर वो नया वीडियो हम पब्लिश करेंगे, तो उसमें से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि आपको महाराष्ट्र में कौन से कॉलेजेस चूज करने चाहिए। ओके, ये रहा एक शॉर्ट वीडियो कैप राउंड के बारे में महाराष्ट्र के। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और भी कुछ अपडेट्स रहेंगे तो हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा दिया करेंगे। और जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और स्टे कनेक्टेड विथ फार्मा माइंड्स। थैंक यू।